गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है स्टेप्स ऑफ लर्निंग। बात कर लेते हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस के बारे में। अब सवाल ये उठता है कि भाई हाइपोथेटिकल सेंटेंस होता क्या है या ये किस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। अगर हम हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस की बात करें तो ये काल्पनिक वाक्य कहलाते हैं। अब काल्पनिक मतलब जैसे अगर हम ऐसे समझें कि कुछ कल्पनाएं हैं हमारे दिमाग में, अगर हम उसे कर लेते तो कितना अच्छा होता, या आप ये कह सकते हो आप केवल विचार रख रहे हैं कि अगर मैं ऐसा होता तो मैं ये करता। जब हम ऐसे विचारों के बारे में सोचते हैं या ऐसे विचार अगर हम रखते हैं तो ऐसे ही सेंटेंसेस को या ऐसे ही वाक्य को हम हाइपोथेटिकल कहते हैं। तो चलिए अब इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हाइपोथेटिकल होते क्या हैं। अगर हम बात करें हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस की तो हाइपोथेटिकल, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हाइपोथेटिकल जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्चुअली आपके कल्पना है, है ना। अब काल्पनिक वाक्य क्या होते हैं? काल्पनिक वाक्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल, मतलब वो एक कल्पना है, उसका वास्तविक रूप आप नहीं देख रहे हैं, है ना, केवल आप विचार कर रहे हैं अपने दिमाग में। जब हम ऐसे सेंटेंसेस की बात करते हैं तो उन्हें ही हम हाइपोथेटिकल कहते हैं। अब जब भी हम हाइपोथेटिकल सेंटेंस फॉर्म करते हैं ना, तो हमेशा ये दो सेंटेंसेस या दो वाक्यों से बने होते हैं। जी हाँ, जितने भी हमारे हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा दो सेंटेंस में आते हैं, मतलब उनका फॉर्मेट हमेशा दो सेंटेंस में देखा जाता है। अब जैसे जैसे आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर कि पहला स्टेटमेंट मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है और ये सेकंड स्टेटमेंट मेंशन किया हुआ है। अब पहला स्टेटमेंट क्या होगा, कैसे पहचाना जाए, तो इसे पहचानने की ट्रिक भी है। देखिए, जितने भी हाइपोथेटिकल हैं वो हमेशा कल्पना होते हैं और काल्पनिक जो वाक्य होते हैं वो एक कंजक्शन से शुरू होते हैं। जी हाँ, अब वो कंजक्शन कौन है जो ये बताएगा कि वो पहला वाक्य कहलाएगा या दूसरा। तो हमेशा हम ऐसे समझिए या हम ये कह सकते हैं कि पहले वाक्य को अगर आपको पहचानना हो तो अगर ये कंजक्शन वाक्य की स्टार्टिंग कर रहा है तो समझ जाइए कि ये पहला सेंटेंस होता है, और जहां ये कंजक्शन नहीं होगा वो हो जाएगा दूसरा। जी हाँ, चलिए अब देखते हैं कैसे। अब वो कंजक्शन है क्या? देखिए, अगर हम उस कंजक्शन की बात करें तो वो होता है इफ। हम जितने भी हाइपोथेटिकल सेंटेंस फॉर्म्ड करते हैं वो शुरू होते हैं हमेशा किसी इफ से शुरू होते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपको दो सेंटेंस अगर आपको मिल रहे हैं और आपको ये पहचानने में दिक्कत हो रही हो कि भैया पहला वाक्य कौन सा है या दूसरा वाक्य कौन सा है, तो आप इसे कैसे पहचानेंगे कि जिस वाक्य के पहले इफ यूज किया गया है तो वो हो जाता है पहला और वो हो जाएगा दूसरा। अब इसी तरह ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर मैंने इफ यहां पर ऐड किया हुआ है या इफ जो है वो दूसरे वाक्य की शुरुआत कर रहा है, तो उस समय ये हो जाएगा पहला सेंटेंस और ये वाला हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तो आप कैसे समझेंगे पहला वाक्य हम ऐसे समझेंगे कि जिस वाक्य के पहले इफ होगा वो हो जाएगा पहला। चलिए अब सेंटेंस को फॉर्म करते हैं और कैसे इन्हें बनाया जाए। तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर इफ वाक्य की शुरुआत कर रहा है तो वो हो जाता है पहला। अब यहां पर पहला कॉन्सेप्ट आप ये देख रहे हैं कि जितने भी हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस होते हैं उसमें आप सभी सब्जेक्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ना, ऑल सब्जेक्ट। अब ऑल सब्जेक्ट का मतलब क्या था बच्चों? ऑल सब्जेक्ट का मतलब है कि वहां पर आई भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, ही भी आ सकता है, शी, इट, है ना, वी, या हम दे का भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब ऑल सब्जेक्ट से मतलब ये रहा, जितने भी हमारे हाइपोथेटिकल हैं वहां पर आपको बस केवल एक चीज याद रखनी है कि आपको सभी सब्जेक्ट के साथ यहां पर क्या प्रयोग करना है बच्चों? यहां पर आपको वर्ब का प्रयोग करना है, है ना। अब ये वर्ब क्यों लगाया सर? आई तो सिंगुलर होता है, ही तो सिंगुलर होता है, शी तो सिंगुलर होता है, तो आप वॉज क्यों नहीं लगा रहे?
ये दिमाग में आपके चल रहा होगा। तो अब मैं आपको बता दूं, जितनी भी काल्पनिक वाक्य होते हैं, जितने हाइपोथेटिकल सेंटेंस हम फॉर्म्ड करते हैं ना बच्चों, तो उसके साथ हमेशा सभी सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होता है। अब प्लूरल वर्ब जैसे आप देख ही रहे हैं कि ये वर है, तो इसका मतलब ये आई के साथ भी वर लगेगा, यू के साथ भी वर लगेगा, ही के साथ भी वर लगेगा और शी के साथ भी वर का प्रयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये अनरियल है। अनरियल मतलब इनका वास्तविक प्रोसेस हम नहीं देख रहे हैं, हम तो कल्पना कर रहे हैं। और जितने भी काल्पनिक वाक्य होते हैं उनमें सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या लेते हैं बच्चों? प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या रखा? पहले इफ कर दिया, फिर हमने और सब्जेक्ट लगाया, और फिर ऑल सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे बच्चों? यहां पर वर लगाएंगे और वर के बाद हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट। तो ये प्रोसेस हो गया बच्चों पहले सेंटेंस का, है ना। अब मान लीजिए अगर मुझे दूसरा सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे? अब जब दूसरा सेंटेंस हम फॉर्म्ड करेंगे तो वहां पर भी आपको यही सोचना है, आप ऑल सब्जेक्ट लीजिए, सभी सब्जेक्ट के साथ बच्चों हम यहां पर एक मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है वुड। ये वुड जो है एक पास्ट सेंस के लिए यहां इस्तेमाल किया जा रहा है ना, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा बच्चों हम क्या लगाते हैं? मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का जो फॉर्म होता है वो बच्चों फर्स्ट होता है, है ना। तो देखिए हमने दोनों सेंटेंस को फॉर्म कर दिया। या आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी वाक्य में इफ का इस्तेमाल हुआ है या वो प्रयोग हुआ है, तो अगर उस वाले सेंटेंस में आपने वर्ब लगाया है तो दूसरा सेंटेंस आपको हमेशा फॉर्म्ड करना है किससे? वुड। और वुड के साथ हम वर्ब का क्या फॉर्म लेते हैं बच्चों? फर्स्ट इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझूं, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं डॉक्टर होता, मैं तुम्हारा इलाज मुफ्त में करता। अब मान लीजिए ये सेंटेंस को मुझे ट्रांसलेशन करना है ना, ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में करना है, मुझे इंग्लिश में बोलना है। अगर अब मुझे बोलना है तो मैं कैसे करूंगा बच्चों? यहां पर अगर आया है तो अगर के लिए हम क्या लगाते हैं बच्चों? इफ का प्रयोग करते हैं ना। और यहां पर सब्जेक्ट के रूप में कौन है? मैं हूं, तो मैं क्या लूंगा? आई का इस्तेमाल कर देंगे हम। उसके बाद सभी सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन से लेंगे बच्चों? वर इस्तेमाल करेंगे, है ना। अब उसके बाद मैं क्या बोलूंगा? अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं क्या बोलूंगा? इफ आई वर अ डॉक्टर। ये देखिए मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया, है ना। अब दूसरा सेंटेंस जो होगा वो फॉर्म्ड किससे होगा बच्चों? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फॉर्म फर्स्ट और ऑब्जेक्ट से। तो अब मैं इसे यहां पर मेंशन करता हूं, यहां लिखता हूं आई वुड। जी हाँ, अब मैंने आई के साथ लिया, वुड लगा दिया। वुड के साथ हमेशा वर्ब का फॉर्म क्या होता है बच्चों? फर्स्ट होता है। तो आई वुड ट्रीट यू फ्री। ये देखिए ये सेंटेंस बन गया। आप इस सेंटेंस को इस तरह भी लिख सकते थे, जैसे आई वुड ट्रीट यू फ्री इफ आई वर अ डॉक्टर। तो देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, पहले ही बताया था कि अगर इफ से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है तो उसे माना जाता है पहला, और जहां वो नहीं होता वो हो जाता है दूसरा। तो आप इन सेंटेंसेस, इन जो वाक्य हैं, इन्हें आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी हाइपोथेटिकल। इस हाइपोथेटिकल को हम एक तरह से और भी बना सकते हैं या और तरह से भी इसे फॉर्म्ड कर सकते हैं। आई होप कि ये जो हाइपोथेटिकल सेंटेंस है वो आपको समझ में आया होगा, है ना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए बच्चों हैव अ गुड डे, थैंक यू।